1938 में हंगेरियन आर्मी में एक आदमी था, कैरली तकाश। अपनी कंट्री का वो बेस्ट शूटर माना जाता था और वो हर रीजनल कंपटीशन, नेशनल रीजनल सारे कंपटीशन में वही जीतता था। उसकी लाइफ का बस एक ही गोल था, वो था अपने राइट हैंड, अपने शूटिंग हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना। और उसे बस एक अपॉर्चुनिटी दिखती थी, वो थी 1940s के ओलंपिक्स। उसकी पूरी लाइफ का एक गोल था कि वो 1940 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के अपने राइट हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड इन द वर्ल्ड बनाए। पर क्योंकि वो आर्मी में था, 1939 में उसके साथ एक हादसा हुआ। एक हैंड ग्रेनेड ट्रेनिंग सेशन में एक हैंड ग्रेनेड उसके राइट हैंड में ही फट गया और उसका बेस्ट शूटिंग हैंड, वो हाथ जिसको वो अपने पूरी दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना चाहता था, वो हाथ नहीं रहा। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो बैठ के रोता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या फिर वो खड़े होकर वो चीज पे फोकस करता कि उसके पास क्या था। कैरली ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। वो खड़ा हुआ, उसने ये देखा कि उसके पास क्या था, उसने ये देखा कि उसे कहां जाना था। उसका गोल था कि वो अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाए। उसके पास था, वो था उसका लेफ्ट हैंड। अब उसकी लाइफ का एक ही गोल बन चुका था कि वो हाथ जिससे वो आज तक लिख भी नहीं पाता था, उस हाथ को वो अपनी पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बना पाए। ट्रीटमेंट के एक महीने बाद वो हॉस्पिटल से रिलीज हुआ और उसने अपनी लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग चालू करी। वो प्रैक्टिस करता गया, करता गया, करता गया और इतना अच्छा बनाया कि वो 1939 के रीजनल नेशनल चैंपियनशिप में पार्ट ले पाया। नेशनल चैंपियनशिप में वो जब पार्ट लेने गया तब बाकी सारे प्लेयर्स आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे और अप्रिशिएट कर रहे कि वाह क्या स्पोर्टिंग स्पिरिट है, हमें अप्रिशिएट करना है। देखो कैरल ने कहा, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करने नहीं, मैं तुम्हारे साथ कंपीट करने आया हूं। बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स वो फाइटिंग विद बेस्ट हैंड्स, पर कैरली विद फाइटिंग विद दिस ओनली हैंड। कैरली अपने लेफ्ट हैंड के साथ शूट कर रहा और गेस व्हाट, उस कॉम्पिटिशन में कैरली विजेता रहा, द मैन विद द ओनली हैंड। अब उसके आगे बस 1940s के ओलंपिक्स थे, उसे बस एक चीज पे फोकस था, 1940s के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है। वर्ल्ड वॉर टू की वजह से 1940s के ओलंपिक्स कैंसल हो गए। कैरली तब भी निराश नहीं हुआ, उसने उम्मीद रखी और वो 1944 के ओलंपिक्स में फोकस करके अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता रहा। पर वापस 1944 के भी ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर टू की वजह से कैंसिल हो। अब ऐसा लगने लगा था कि दुनिया की सारी ताकत कैलरी को अपने गोल से दूर हटाने के लिए एक साथ काम कर रही थी, पर कैरली तब भी हार नहीं माना। उसने 1948 के ओलंपिक्स पे फोकस रखा। 1948 में उसकी एज थी 38 years, 1938 में उसकी एज थी 28 years। 1948 में आते आते उसके लिए और डिफिकल्ट हो रहा था यंग कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपीट करना, पर तब भी वो हार नहीं माना। 1948 के ओलंपिक्स में कैरली द मैन विद द ओनली हैंड विजेता रहा और उसने अपना सपना, अपना गोल जिसके पीछे उसने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी थी, उस पर वो कामयाब हुआ। पर कैरली तब भी नहीं रुका, उसने अपना पूरा फोकस 1952 के ओलंपिक्स में लगाया वापस। और 1952 के ओलंपिक्स में फिर से द मैन विद द ओनली हैंड जीता और तब पूरे ओलंपिक्स की उसने हिस्ट्री रच दी।
He became the first shooter to win back-to-back gold medals in the history of Olympics. और कैरली तकाश का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए छप गया। So life का एक rule होता है कि fall down 10 times but get up 11. हमेशा जितनी भी problems आए हमें खड़े होते रहना है और जो हमारे हाथ में है उस पर पूरा फोकस करना है और बस लाइफ की गेम में आगे बढ़ते रहना है। और बस इसी के साथ मैं होप करता हूं कि ये स्टोरी कुछ हेल्पफुल लगी हो आपको, एंड जस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप कि इसके बाद आप एक बेटर वर्जन निकल के आए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।